प्रदेश की टीम प्रत्येक जिला व पंचायत में पहुँच कर न्यूज इकट्ठा कर रही है कि भारत सरकार व बिहार सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक पहुँच रही है। नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज बिहार प्रदेश जिला सीतामढ़ी। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है प्रखंड उमरा, ग्राम पंचायत राज मिर्जापुर और वार्ड नंबर 8। जिस वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य हो गए श्री शंभू पासवान जी, इनसे इनका परिचय जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शंभू पासवान हुआ जी, मिर्जापुर पंचायत के वार्ड सदस्य 8 के सदस्य हूँ। सर डुमरा प्रखंड वार्ड सदस्य महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ जी। शंभू जी, आप अपने वार्ड में, मतलब 8 नंबर वार्ड में आपके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, क्या क्या ग्रामीणों को जो वार्ड में जो रहते हैं उनको क्या क्या सहयोग किया गया, बताएं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल नीचे योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 16-17 में मेरा वार्ड का चयन किया गया जी, जिसके तहत इस वार्ड में 2 प्राकलन को तैयार किया गया, 139 घर, 162 घर, जिसमें 139 घर को हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल के तहत शुद्ध पानी को प्राप्त करा दिया हूँ। 162 घर जो मेरा वार्ड के अंतर्गत वंचित रह गया, जिसके लिए हमने जिला से लेके प्रखंड से लेके ग्राम पंचायत तक दौड़ते दौड़ते थक चुका हूँ। लास्ट में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिला, फिर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं मुखिया जी मिलकर इस योजना को सफल नहीं होने दे रहे हैं। मतलब कारण क्या है? कारण क्या है तो गुप्त बात है। मुखिया जी के प्रभाव में आगे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय अलाटोली कर रहे हैं, आज कर देते हैं कल कर देते हैं, लेकिन आने वाला समय में लगता है कि इसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आचार संहिता विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, आचार संहिता 24-25 से लग जाएगा, मेरा वार्ड का 162 घर के ग्रामीण वंचित रह जाएंगे। मतलब मुखिया जी को आपने सूचना दिया और उसके बाद कोई एक्टिव नहीं हुए कि हाँ मेरा कार्य इस पंचायत में, इस वार्ड में जो रुका हुआ है तो उसको कार्य को पूर्ण किया जाए? मैंने कितना बार ग्राम पंचायत को, प्रधान को, मुखिया महोदय को लेटर लिख के अवगत करा चुका हूँ जी, लेकिन इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले पा रहे हैं उनके द्वारा। तो आगे भी, इससे आगे भी बढ़ना आप चाह रहे हैं या आपकी कोशिश है कि अगर वहाँ से नहीं होता है तो उससे आगे बढ़ा जाए? नहीं, मैं तो अपना जनता अपने पब्लिक के कार्य के लिए जहाँ तक ले मुझे अनुभव अवगत है वहाँ तक ले हम जाने के लिए तैयार हूँ, जबकि जिला पदाधिकारी से लेकर मंत्री प्रधान सचिव तक के मैंने इस चीज विषय पर हमने लेटर दिया, लेकिन उसका अभी कोई प्रक्रिया नहीं हो पाया। लेकिन जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा 1331/19/6/2020 के जो आदेश पारित करते हुए प्रखंड कार्यालय डुमरा को दिया गया जी, उस पर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे मुखिया जी के मेल में आकर अपना काम को कनसुनी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं ले पा रहे हैं। आपके वार्ड में शौचालय का जो है वो कितने परिवारों को लाभ दिया? जब से सरकार का ये रेगुलेशन आया जी, जब से लगता है हमको अपना वार्ड में 250 के करीब में हमने शौचालय को निर्माण कराया और 50% लोगों को राशि उपलब्ध करा दिया गया है, और 40% लोग जो वंचित रह गए हैं उससे हमारे गांव के जो कुछ दलाल, जो ब्लॉक स्तर से जो दलाली करते हैं, जियो टैंगी हो गया, बेस लाइन भी हो गया, इसके बारे में 2-2 हज़ार रुपये हमारे ग्रामीण सुमांग किया, जिसका नाम रत्नेश कुमार है। इसका शिकायत हमने DDC माननीय उप विकास आयुक्त को भी दिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को भी दिया गया है, लेकिन इस पर रत्नेश कुमार के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया, जिसके चलते मेरा 40% जो लाभुक है शौचालय का उसको राशि अभी तक नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो आपके वार्ड में कितने परिवारों को लाभ मिला? ये प्रधानमंत्री आवास पूरी मिर्जापुर पंचायत की जो संख्या है जी, 522 का प्रतीक्षा सूची बना हुआ है जी, जिसमें हमको यह अपने आप को अनुभव लगता है एक भी गरीब आदमी को आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। जो व्यक्ति का माननीय मुखिया द्वारा पैनल सूची बनाया गया जी, उसमें निम्न व्यक्ति को 100 में 75-80% लोग जो अमीर लोग है उसी व्यक्ति को चयन किया गया, उसी आदमी से मिल रहा है। वास्तविक स्थिति यह है आज भी हमारे वार्ड में अन्य पंचायत में झोपड़पट्टी वाला इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है।
तो जो महल है जिनके पास घर पहले से बना हुआ है उन्हीं को दोबारा दिया जा रहा है। इसके बारे में शिकायत भी हुआ है, इसके बारे में जांच भी हुआ है, राशि रिकवरी का भी प्रस्ताव चल रहा है। इस पर वीडियो साहब अपना रखे हुए तेल में कान रखे, इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। चलिए, अभी तो अभी जैसे कि कोरोना वैश्विक महामारी का जो अभी दौर चल रहा है, तो उसमें आपके वार्ड में कोई ऐसा भी केस है जो पॉजिटिव पाए गए, या पंचायत स्तर से जो शिविर लगना था वो क्या आपके वार्ड में लगा या पंचायत स्तर से लगा, उनमें कोई पॉजिटिव केस मिला क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे मिर्जापुर पंचायत में ईश्वर की कृपा से अभी तक ले कोई पॉजिटिव केस नहीं निकला। और सरकार का जो गाइडलाइन हुआ हमारे पब्लिक के, जिसे लॉकडाउन के अंदर रहना है, साफ सुथरा रहना है, दूरी बना के रहना है, इसके अनुसार से हम अपने ग्रामीण समाज को व्यवस्थित ढंग से रखा। अभी तक सरकार भगवान की दया से कोई अप्रिय घटना, कोई अपोजिट पार्टी बीमारी नहीं निकला है। सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश मिला था कि परिवार में मास्क और साबुन जो वितरण करना था, तो आपके वार्ड में दिया गया या नहीं? मेरे वार्ड में ग्राम पंचायत द्वारा मुझे 800 साबुन के उपलब्ध कराया गया था जी, 1600 मास्क के भी उपलब्ध कराया गया था, जिसको हम अपने ग्रामीण को वितरण कर दिए। आप अपने देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही देना चाहता हूँ, सरकार जो माननीय हमारे सरकार है उसका जो आदेश है, उसका जो इशारा है, उस हिसाब से हमारे देशवासी रहें और अच्छे ढंग से रहे, व्यवस्थित ढंग से रहे और सरकार का अनुपालन करें। चलिए, धन्यवाद। 20 वार्ड में सेक्शन बाय सेक्शन सबका वार्ड बटा हुआ, साल बटा हुआ है, 18, 19, 17 है, 16 है। 18, 19 में जो आपका 6-7 वार्ड है जिसका मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली योजना जो है उसका राशि अभी तक ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दिया रहा है, जिसके कारण भारी बारिश के मौसम में आम जनता को आने जाने के लिए कठिनाई उत्पन्न हो रही। जिसे वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 4 जी, अभी तक उनका राशि को अलॉटमेंट ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। क्या मानसिकता है? वो कहते सिस्टम में आइए भाई, हम सिस्टम में क्या, आप बताइए हमको क्या परसेंट आपको कमीशन लेना है। मतलब ये बात कौन बोलते हैं? ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव हमारे माननीय मुखिया बोलते हैं, सिस्टम क्या चीज़? उनका क्या नाम हुआ सचिव जी का? श्री शंकर सा नाम है उनका। अच्छा, मुखिया जी का क्या नाम? श्री चंद्र श्रीवास्तव को उनका पति जो है जितेंद्र श्रीवास्तव जी बोलते हैं, सिस्टम में आइए, सिस्टम क्या चीज का है। अच्छा, वो ऐसा बोलते हैं कि आप सिस्टम में आइए और फिर मुझसे बात कीजिए। हाँ, यही बात है, इसका परिणाम है आज तक वार्ड का विकास संभव नहीं हो पा रहा है। तुरंत अभी मिर्जापुर पंचायत वार्ड नंबर 6 में वही पानी बहाव के कारण हिंदू मुस्लिम का विवाद हो गया था, कितना पृथक प्रयास करने के उपरांत वहाँ के हमारे माननीय उप मुख्यापति श्री शत्रुघ्न राय जी के हस्तक्षेप के द्वारा मामला को शांत किया कराया गया है, उसमें मैं स्वयं उपस्थित था, यही सब समस्या है। चलिए, समस्याओं को अवगत कराया जाए। कैमरामैन दिलीप के साथ मैं राम बाबू शाह, कानूनी जंग न्यूज सीतामढ़ी।